अब मजा आएगा ना, क्यों नहीं, क्योंकि नए नए चैलेंजर मिल रहे हैं अब। Ladies and gentlemen. तो हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन चैलेंज करने वाले हैं जो कि बॉबी लैशली को फॉर WWE चैंपियनशिप। तो यहाँ पे पहले तो हमें देखने को मिलता है जो कि MVP, एंड MVP कहते हैं कि भाई हमने सबको हरा दिया है, एंड नाउ जो कि बॉबी लैशली है वो नंबर वन है। तो यहाँ पे फिन, इसके बाद तो हमें ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलता है, एंड ड्रू मैकइंटायर यहाँ पे फिन से मैच की मांग करते हैं। बट इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे देखने को मिला कि फाइनली यहाँ पे हमें ब्रॉन स्ट्रोमन भी देखने को मिले, एंड ब्रॉन स्ट्रोमन आता है एंड फिन वो भी मैच की मांग करते हैं, वो भी चैलेंज करते हैं, मतलब उनको भी WWE चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। वेल इसके बाद तो हमें सबसे इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिलता है जो कि आई कैन बिलीव दिस, कि मुझे ये भी चीज़ देखने को मिली कि यार मुझे लगा था कि वहाँ पे फ्यूड अभी ख़त्म नहीं हुई, बट वहाँ पे फ्यूड अभी फिलहाल तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अब हमें देखने को मिले एक बार फिर से जो कि थे द वाइपर रैंडी ऑर्टन। तो वेल जी हाँ रैंडी ऑर्टन हमें देखने को मिल गए, एंड इन्होंने भी चैलेंज किया WWE चैंपियनशिप के लिए। तो वेल यहाँ पे तीनों लोगों की तरफ से हमें यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिल गए थे। वेल तो यहाँ पे एडम पियर्स आते हैं, एडम पियर्स डिसीजन बनाते हैं कि तुम तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा मेन इवेंट में, एंड तो जो जीतेगा वो चैलेंज करेगा बॉबी लैशली को एट दी नेक्स्ट पेपर व्यू रेसलमेनिया बैकलैश में। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। तो वेल आपके ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक से सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। I played it in a sense, a feel of discontent.